पूरे सियावर रामचंद्र की जय, पूरे सच्चे दरबार की जय, पूरे पूर्णागिरी माता की जय, पूरे व्यासुरा बाबा की जय, पूरे भगवती बाराही माता की जय, पूरे हाट हाट का भैया की जय, पूरे सभी इसी देवी देवताओं की जय। आप सबको इस मंच के शुभारंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने इस शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराकर इस कार्य में पुण्य का लाभ लिया है। भगवान आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसी हमारी अभिलाषा है, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। और सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे, जैसे कि यहाँ पर अच्छा बैच की व्यवस्था बनी हुई है, तो लगे हाथ इस कार्य को भी हम उसका सम्मान बैच अलंकरण का कार्य करेंगे। अपने अतिथियों, अपने सहयोगियों का एक सम्मान इस मंच के माध्यम से हो, ऐसी यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। मेरा अनुरोध है घर से प्रा जोशी जी मंच पर आ जाए, हमारे आई हुई अतिथि श्रीमती अंजू सिंह जी का बैज अलंकरण कर स्वागत करेंगी, अभिनंदन करेंगे। आप सभी अपना आशीर्वाद दीजिए, मातृशक्ति का इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार जोड़ा तालियों से आप भी अपना आशीर्वाद देंगे, आपका निरंतर सहयोग श्री गंगा आदर्श रामलला कमेटी को मिलता है। इसी क्रम में श्रीमान कृष्णानंद पांडे जी का बैज अलंकरण मैं अध्यक्ष महोदय श्रीमान मोहनलाल कैथोड़ी जी से अनुरोध करूंगा। श्रीमान बंसीलाल पंत जी हमारे बीच में है, तो मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि बैज अलंकरण कर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। और आप सभी तालियों के साथ अपने बुजुर्गों को सम्मान देना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्हीं के बलबूते पर ये समाज आगे बढ़ा है। और आप सामाजिक धार्मिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ के भागीदारी करते हैं। इसी क्रम में बंसीधर पंत जी हमारे बीच में हैं, मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि उनका बैज अलंकरण कर स्वागत करेंगे और आप सभी तालियों से अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसी क्रम में श्रीमान लालमणि भट्ट जी जो सामाजिक धार्मिक कार्यों में, दिव्य प्रकाश जोशी जी आपका स्वागत अभिनंदन इस बैज अलंकरण के साथ करेंगे। आप सभी अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे तालियों के माध्यम से। आप दया किशन भट्ट जी अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाए, आपका निरंतर सहयोग। महेश काफी जी बैज अलंकरण का स्वागत करेंगे। श्रीमान हरीशन लोहनी जी से भी अनुरोध है मंच पर आ जाए। अच्छा, महेश काफी जी के द्वारा बैज अलंकरण का स्वागत, आप सभी का आशीर्वाद तालियों के रूप में। और इस विधा के सूत्राधार विगत कई वर्षों से यहाँ पर नाम सेवा देने वाले हरिश्चंद लोहनी जी, हरिश्चंद लोहनी जी लगातार इस नाम कार्य में अपना सहयोग देते रहे हैं। सुशील तिवारी जी उनका स्वागत करेंगे। आ,
हमारे युवक मंगल दल के कार्यकर्ता सदस्य भी लगातार इस कार्यक्रम में सहयोग देते रहे हैं। अध्यक्ष के रूप में हरीश भट्टी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आ जाए। हरीश भट्टी युवक मंगल दल अध्यक्ष है और इसी क्रम में मनोज गहतोड़ी जी उपाध्यक्ष, महामंत्री विनय तिवारी जी, सचिव भुवन बोरा जी, उप सचिव सूरज गोस्वामी जी, संगठन मंत्री निखिल पांडे जी। मेरा अनुरोध रहेगा युवक मंगल दल के हमारे जो भी पदाधिकारी कृपया मंच पर आ जाए, जो बैज अलंकरण का कार्य हो सके। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा कि सम्मानित अध्यक्ष जी का बैज अलंकरण कर स्वागत एक प्रतीक के रूप में, क्योंकि आप पर जिम्मेदारी है जी लगातार इस सेवा कार्य को संभाल रहे हैं। बैठो का ताली से अभिनंदन। सुशील तिवारी जी जो लगातार अपना सहयोग यहाँ पर दे रहे हैं, मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि बैज लगा करके उनका भी स्वागत अभिनंदन करेंगे। और सिप्रा जोशी जी हमारे बीच में हैं, तो जोशी जी बेटी हैं उनका स्वागत अभिनंदन बैज लगा करके करेंगी। आप सभी लोग अपना आशीर्वाद देंगे, तालियों के साथ अपनी शुभकामनाएं देंगे। युवक मंगल दल के हमारे सम्मानित अध्यक्ष हरीश भट्ट जी, उपाध्यक्ष मनोज गहतोड़ी जी, भुवन बोरा जी, सूरज गोस्वामी जी हमारे बीच में करूंगा अध्यक्ष जी, उप सचिव महोदय का बैज लगा करके स्वागत करेंगे। आप सभी लोग तालियों के साथ अपना आशीर्वाद देंगे। और इसी क्रम में तारा सिंह तरागी चंदोरे की कृपया मंच पर आ जाए। थोड़ा सा समय का ध्यान रखेंगे, जिसका भी नाम का उद्बोधन हो रहा है कृपया मंच पर पहुंचे, जिससे जी श्रीमान हमारे इस कार्यक्रम के प्राउंड पर जिनकी हाथों में इस पूरी जिला की बागडोर रहती है, जगदीश नलकानी जी का श्रीमान अध्यक्ष महोदय स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम में हारमोनियम वादक जिनकी देखरेख में पूरी लीला का मंचन हो रहा है, श्रीमान प्रकाश सिंह जोशी जी का दया किशन भंजी से अनुरोध है लगा करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। और आप सभी लोग तालियों के साथ आशीर्वाद देंगे। सुंदर धुनों के साथ इस लीला का मंचन यहाँ पर आपके माध्यम से हो रहा है। तबला वादक के रूप में अंकित जोशी जी हमारे युवा साथी हैं, नई पीढ़ी में ये लोग इस परंपरा को निभाने का इनका जोड़ा तालु से अभिनंदन। बंशीधर भट्टी से अनुरोध है कि बेटे को आशीर्वाद देंगे। अंकित जोशी तबला वादक और मनोज गहतोड़ी जी उपाध्यक्ष युवक मंगल दल, दीपक प्रकाश जोशी जी से अनुरोध है जय अलंकरण कर स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम में भुवन बोरा जी हमारे बीच में है, सचिव के रूप में जो युवक मंगल दल की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, महेश गायत्री जी से अनुरोध है कि जय अलंकरण का स्वागत करेंगे। ये हमारे वो वरिष्ठ कार्यकर्ते हैं जो अपना निरंतर सहयोग इस लीला पर देते हैं। और ये पारंपरिक मंच आप सबके माध्यम से सस्ता है, क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। दीप प्रकाश जोशी जी का अध्यक्ष श्रीमान गोविंद वल्लभ गहतोड़ी जी स्वागत अभिनंदन करेंगे। और संचालक के रूप में जैसा मेरे को भी कहा गया है, बैज एक परंपरा रही है, प्रतीक है ये। और श्रीमान मुरलीधर पंत जी आशीर्वाद के रूप में बैज अलंकरण करेंगे। मेरा
आप सबका आशीर्वाद बना रहे, माँ सरस्वती की कृपा पर बनी रहे और ये परंपरा, ये भगवान राम का कार्य जो ही निरंतर चलता रहे, हम सबको सद्बुद्धि मिले, इस प्रेरणा के लिए कार्य किया जा रहा है। सामाजिक धार्मिक कार्यों में आपका लगातार योगदान रहता है। ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश जोशी जी का बैच अनंतरण पर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, अपना एक प्रतीक के रूप में ये बैच लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में गिरीशन जी का जो इस कार्य को लगातार निभा रहे हैं, अध्यक्ष श्रीमान गोविंद बल्लभ गैथोड़ी जी बैच अनंतरण कर उनका भी स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं और आपको शुभकामनाएं है कि यह कार्य इसी हंसी खुशी के साथ, पहले ये कुछ पारंपरिक परंपराएं हैं जिससे कि आप जिम्मेदारी के सूत्र में बच जाते हैं। इस बैच को लगाने का मतलब है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपको इसको निभाना है। तो प्रकाश भक्त से अनुरोध है कि मंच पर आ जाए, जो यहाँ पर लगातार सेवा दे रहे हैं और सबका अपना अपना सम्मान है। तो अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि प्रकाश भट्ट जो इस राम कार्य में अपना योगदान देते हैं, छोटा कार्य। इसी क्रम में दीक्षा मिश्रा जो बेटी है यहाँ पर गायन में गीत में सखियों का साथ दे रही है और शीतला जोशी जी से अनुरोध है कि बेटी को अपना आशीर्वाद देंगे और स्वागत अभिनंदन करेंगे। सबका इस राम कार्य से जुड़ने पर अपना रोहित शर्मा जी मेरी आवाज जा रही है, उनकी कमेंट से बुलाने अच्छा तैयार हो रहे हैं जी। तारा सिंह पराग जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पर आ जाए। मनोज जी मेरा अनुरोध रहेगा, हमारे सम्मानित कार्यकर्ता है अपनी सेवा निरंतर यहाँ पर देते हैं। मनोज जी का स्वागत अभिनंदन बैच लगा करके अध्यक्ष गैथोड़ी जी करेंगे एक बार। इसी क्रम में दिनेश जोशी जी कोई भूल चूक हो गई है उसके लिए हम चुनाव प्रार्थी हैं कि बहुत सारे दिवस बचे भी हैं, फिर सामने कर दीजिए फोटो के लिए। तो कहीं तारा सिंह रागी जी मंच पर आ गए हैं तो गोविंद बल्लभ गैथोड़ी जी भी अंतरण का स्वागत अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में दिनेश चंद्र जोशी जी अपने सम्मानित कार्यकर्ता और गोविंद बल्लभ गैथोड़ी जी अध्यक्ष जी स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। शांति प्रकाश गैथोड़ी जी मेरी आवाज को अगर सुन रहे हो कृपया मंच पर पहुंचे। ये मेरा अनुरोध रहेगा कि हमारे गांव की मुखिया
कार्यक्रम में हमारे ग्राम की ग्राम प्रधान मुखिया कमलेश राणा जी हमारे बीच में है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि इस पावन पर्व पर आशीष वचन के रूप में दो शब्द यहाँ पर इस मंच से रखेंगे, एक संदेश अपने ग्राम वासियों तक, अपने नगर वासियों तक, क्षेत्र वासियों तक जाएगा कि इस राम कार्य से सब जुड़े हुए हैं, सब भगवान श्री राम पर श्रद्धा रखने वाले हैं और आप सभी क्षेत्रवासियों को भगवान प्रभु श्री राम की कृपा लगातार बनी रहे कि हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। संक्षिप्त में सुभाषिष वचन सुनते हैं। धन्यवाद प्रधान जी, आपने अपनी भावनाओं को बहुत सरल और संक्षिप्त रूप में रखा। भगवान श्री राम की कृपा आपके इष्ट मित्र बंधुओं पर बनी रहे और फिल्म को आगे बढ़ाऊंगा। अंजू सिंह जी जो सामाजिक धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भागीदारी करती हैं हमारे बीच में है, अनुरोध करूंगा कि दो शब्द आशीष वचन के रूप में आप भी प्रवासियों को देंगे। श्रीमान जी अंजू सिंह जी अभिनंदन करती हूँ, ताकि ये हर वर्ष होने वाला हमारा ये रामलीला मंचन हमेशा ऐसा ही खूबसूरत बनता रहे। लेकिन मैं आज यहाँ प्रथम बार आई हूँ, मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है कि मैंने हर वर्ष नहीं आकर मैंने बहुत कुछ खो दिया है। मैं आज यहाँ सबसे पहले आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर मेरे छोटे छोटे बच्चे इतना उत्साह से इतना काम करते हैं और इतना अभी आपके मंचन करेंगे। यहाँ पर पूरे राम सभी के पात्र सभी को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि आप हर साल हमेशा ऐसे ही हम सभी को श्री रामचंद्र जी की कहानी और पूरा इतिहास बताएंगे, ताकि हमारे बच्चे आगे उन्हीं के पद पर कर्तव्य करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बाकी आप सभी को नववर्ष नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जय श्री राम। धन्यवाद अंजू सिंह जी, आपने अपने मधुर वचनों से
सब क्षेत्रवासियों को बधाई दी भगवान श्री राम की कृपा आपके परिवार पर भी बनी रहे, इष्ट मित्र बंधु बांधवों पर उनकी छत्रछाया बनी रहे, इसी हम सब की प्रार्थना है। और आप निरंतर यूं ही अपना सहयोग जारी रखें। इसी क्रम में हमारे बीच में क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीमती रविता राणा जी हमारे बीच में मंगलोत्तर की मंच पर आए हैं, और सनिता त्रिपला जोशी की जलकरण कर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे, मेरा अनुरोध रहेगा। मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि सम्मान हमारे अतिथि को आप मंच पर आमंत्रित करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले जगत जननी सीता माता की, बोले शेषावतार लखन लाल की, बोले राम भक्त हनुमान की। मैं आपसे यहां पुजारी जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो कृपया मंच पर आ जाए और क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरा अनुरोध रहेगा हीरा सिंह रावत जी हमारे बुजुर्ग हमेशा निरंतर इस कार्य में सेवा देने वाले, मेरा अनुरोध रहेगा कि मंच पर आए। और आज प्रथम दिवस है, अपने कार्यकर्ताओं का अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान हो और ये ऊर्जा बनी रहे, इनकी ये शक्ति निरंतर कार्य करे। एक सम्मान प्रतीक के रूप में मैं जनकरण अध्यक्ष महोदय श्रीमान गोविंद वल्लभ बहादुर जी के द्वारा आप सभी लोग कार्यों के साथ अपना आशीर्वाद देंगे, अपनी शुभकामनाएं देंगे। मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमान कोठारी जी और हया सिंह पुजारा जी, पुजारी जी कृपया मंच पर आ जाए। आप लोग लगातार इस काम कार्य में अपना योगदान देते हैं, अपना सहयोग देते हैं, इस बात के लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और श्री रामलीला आदर्श रामलीला कमेटी ने प्रयास किया है कि हम अपने क्षेत्र के सभी लोगों तक पहुंचे और सब मिलजुल करके इस राम कार्य का आयोजन करें। सबकी भागीदारी से ही ये कार्य संभव हो पाता है, सफल होता है। तो आप देख रहे होंगे हर उम्र दराज के लोग इस कार्य में अपनी भागीदारी कर रहे हैं, सबका अपना योगदान है। और सम्मानित अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि बैज अलंकरण कर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं का, हमारे वरिष्ठ जनों का। एक बार जोड़ा ताजे से अभिनंदन। इसी क्रम में हया सिंह पुजारी जी आप निरंतर इस राम यज्ञ में अपना योगदान अपना सहयोग देते हैं। आज राम जन्म की सुंदर लीला है और रावण कुंभकर्ण विभीषण मेघनाद सभी अपना पल मांगेंगे सुंदर लीला का मंचन हमारे स्थानीय कलाकारों के माध्यम से। आप सभी का धन्यवाद, आप लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, ये राम कार्य ये राम यज्ञ यू ही चलता रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और इसमें जो भी समय विलम्ब हुआ हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। प्रथम दिवस है तो कुछ और आप सभी लोग जब भी जयकारी रखते हैं तो आप कुछ ना कुछ भागीदारी करेंगे। इस माध्यम से आप श्री राम से भगवान से सीधा जुड़ते हैं और आपकी ये यहाँ आने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। ये एक बार जयकारा बोले मर्यादा प्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी की, बोले जगत जननी सीता माता की, बोले शेषावतार लखन लाल की, बोले राम भक्त हनुमान की, बोले व्यासराज बाबा की, बोले पुराणगिरी माता की, बोले 33 कोटि देवी देवताओं की। धन्यवाद। और हमारी इस लीला मंच की शोभा को बढ़ाने के लिए छोटी छोटी बेटियां जो विगत एक वर्ष से यहाँ पर तैयारी कर रही है सखियों के रूप में इस मंच की शोभा को बढ़ाने आ रही है, क्योंकि नवरात्रों का पावन पर्व है